आपने इस बार गुजरात में बीजेपी को बचा लिया, पर खतरे की घंटी भी बजा दी। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी लगातार सातवीं बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तैयार है। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर नजर आ रही है। हालांकि इन चुनावों में हर किसी की नजर आम आदमी पार्टी पर भी है। गुजरात में जीत का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल में तो खास सीटें नहीं जीतती दिख रही, लेकिन आपको पहली बार में ही अच्छा खासा वोट शेयर मिल रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस का काम आपने ही खराब किया है, लेकिन बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी को इस बार कैसे बचाया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इस बार गुजरात में बीजेपी 129 से 151 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 16 से 30 सीटें जीत सकती है और पहली बार राज्य के विधानसभा चुनाव लड़ रही आपको 9 से 21 सीटें मिलने की संभावना है। अब यहाँ ये भी समझना काफी अहम हो जाता है कि तीनों ही पार्टियों का वोट शेयर क्या है। बीजेपी को इस बार 46% वोट शेयर मिल सकता है, वहीं कांग्रेस को 26% और आपको 20% वोट शेयर मिल सकता है। ऐसे में साफ है कि अगर गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती तो उसका वोट सीधे तौर पर कांग्रेस को मिल सकता था, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 42% वोट मिला था। यह साफ है कि उसका वोट आपकी तरफ शिफ्ट हुआ है। यही कारण है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कांग्रेस की टक्कर से बचा लिया है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि आपने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है और बीजेपी को बचा लिया है। अब यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आपने इस चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी कैसे बजाई है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में आप और कांग्रेस दोनों को बीजेपी के जितना ही वोट शेयर मिल रहा है। ऐसे में साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आपसे सीधी टक्कर मिल सकती है, क्योंकि गुजरात की जनता कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में विश्वास खोती जा रही है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।